ये एक टॉपिक है आपके बुक में, सिक्योरिटी कंसिडरेशन। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन, जब तक डेटा की बात हो रही है तो डेटा, जैसे ही डेटा की बात होगी, कंप्यूटर की बात होगी, तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न भी आएगा। और सिक्योरिटी कंसर्न में जो मेजर है वो उसके कंप्यूटर के चोरी होने से मतलब नहीं है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज हो सकती है? देखो, जो उससे आप फायदा उठा रहे हो वही फायदे आपके नुकसान में बदल सकते हैं। जैसे अभी हमने सुना था कि डेटा से हम क्या डिसीजन मेकिंग से कर सकते हैं, जो पुराना डेटा है उसे प्रडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वही डेटा आपको क्या है, अगर आपने रॉन्ग कर लिया तो क्या होगा, वो नुकसान दे सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू अ सेटबैक टू बिजनेस, गलत डिसीजन नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट लिखा है इंटरप्शन ऑफ इन एक्टिविटी। अब आईटी सेक्टर में है तो आईटी सेक्टर आपका बिजली, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे चलता है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आपका काम रुक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। कैसे वायलेशन ऑफ प्राइवेसी? क्योंकि सारा डेटा वहां स्टोर है, तो डेटा स्टोर है तो प्राइवेसी वायलेट हो सकती है। जिसको भी वो डेटा दिख रहा है उसको प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है। अगला है डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू द फ्रॉड। और आईटी सेक्टर में फ्रॉड भी होते हैं तो उनसे क्या होगा, डायरेक्ट लॉस होगा, ठीक। तो ये बात आई कि सिक्योरिटी कंसीडरेशन की बात आई। सिक्योरिटी कंसीडरेशन की बात के अलावा कुछ और ऐसी मेजर चीजें होती हैं जो आईटी में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो तीन चीजें हैं। सबसे पहले है डेटा। तो जो भी डेटा है वो एक कंसर्न है, और उसके साथ डेटा एंड सॉफ्टवेयर, इन पर ध्यान देना। सेकेंड नंबर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है भाई? डेटा सॉफ्टवेयर तो आपका कंप्यूटर में डला हुआ है, लेकिन कंप्यूटर, बैठने की जगह, कंप्यूटर के साथ के और सामान, वो किस में आ गए? इंफ्रास्ट्रक्चर, या हम इसको कह सकते हैं हार्डवेयर। तो दो बातें हुई, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम, डेटा, सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया हार्डवेयर, तीसरे कौन होते हैं? जो उसको चलाते हैं, और जो उसको चलाते हैं उसको बोलते हैं पीपल वेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं पीपल वेयर। तो ये तीन चीजें मिल करके हमारे पूरे डेटा वाले काम को कंप्लीट करती हैं, एकम्प्लिश करती हैं। इन तीनों से मिल करके वो होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें रिस्क क्या क्या है, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो उसमें थ्रेट्स हमको मिलती हैं सिक्योरिटी कंसीडरेशन में। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स, मतलब कहाँ कहाँ से डर है, कौन कौन सी चीजें ऐसे जो धमकियां मिलती हैं बोलते हैं थ्रेट्स। तो इसमें सबसे पहले कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स हैं। क्या बोलता है कि द थ्रेट्स टू कंप्यूटराइज सिस्टम मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्शन एजेंडा। क्या क्या बोलता है? एरर एंड ओमिशन, अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा, कंप्यूटर अब्यूज एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक एस्पेक्ट, और कंप्यूटर साइबर फ्रॉड, ठीक है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स होती हैं उसके रीजन हैं। तो रीजन में क्या है, एक तो है एक्सीडेंटल और एक है मेलिशियस, यानी कि इंटेंशनल। एक्सीडेंटल और इंटेंशनली, तो एक्सीडेंटल में देखिए पहला क्या है, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, और सेकंड क्या है, ह्यूमन एरर, और थर्ड क्या है, अनरिलायबल सिस्टम। इसको समझ लीजिएगा, अनरिलायबल सिस्टम क्या होता है? आईटी सेक्टर क्या होता है? डेवलपिंग होता है, मतलब कीप ऑन चेंजिंग है। पता लगा कि आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कहते हैं अनरिलायबल सिस्टम। अगर आपका अपडेशन नहीं हो रहा प्रॉपर तो ये दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। फिर आता है मेलिशियस डैमेज। तो मेलिशियस में क्या बोला मैंने, इंटेंशनली जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉड, और इसको बोलते हैं हम लोग एरर। एरर ओमिशन में क्या है, एरर माने क्या होती है, गलती, और ओमिशन माने होती है भूल चूक, ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपको। हमारी जो थ्रेट्स होती हैं उनको हमें कंट्रोल भी करना है, तो कंट्रोल मैकेनिज्म का चार्ट आपके सामने है। इसमें देखिए दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक फिजिकल कंट्रोल और एक है इंटरनल कंट्रोल।
फिजिकल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल। फिजिकल में क्या है, आप सारे सिस्टम को चेक करना, टूट फूट हो रही है, रिपेयर मेंटेनेंस कराना, ये सब है फिजिकल कंट्रोल करना, उसकी प्लेसिंग सही करना, वायर ये सब कुछ चेक करना, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल हो गया। अब दूसरा जो बोला हमने इंटरनल कंट्रोल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दो तरीके हैं, एक तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या है ड्यूअल कंट्रोल। ड्यूअल कंट्रोल से मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि डबल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, तो दो जने किसी चीज को कंट्रोल। वैलिडेशन का चेक का मतलब क्या है, आपका जो भी आपने काम किया उसको वैलिडेटेड करना, चेक होना अलग चीज है, यानी वो चेक होने के बाद जो करना उसको वैलिडेट बोलते हैं। और नॉर्मल सीक्वेंसिंग आपने देखा होगा, जितनी रिपोर्ट्स होती हैं वो सीरियलाइज होती है, सीरियलाइज होने से कोई भी चीज लाइन से आती है, रैंडम ना होने से, क्योंकि रैंडम होने से कोई चीज छूट सकती है, जब सीरियलाइज होगा तो जल्दी पकड़ में आ सकती है। तो ये हमने बताया अकाउंटिंग के थ्रू, यानी जो प्रोसेसेस आप करते हैं, पेन यूज करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, उनकी बात आ रही है। दूसरी बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सबसे पहले कि आपने उनको लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे, जो काम कर रहा है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है या नहीं आता, वो कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा पॉलिसी क्या है बैंक की, बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। चौथा प्रोसीजर, जिस तरह से बैंक ने बोला है उस तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम इन दोनों मेथड को देखें, फिजिकल इंटरनल, इंटरनल के बाद अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव में ड्यूअल कंट्रोल, वैलिडेशन चेक और न्यूमेरिकल सीक्वेंसिंग, और इधर आता है लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी और प्रोसीजर। इस तरह से हम अपने उन थ्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड आपका है ऑपरेशनल। तो दो हम बात कर चुके हैं पहले, तो ऑपरेशनल में देखिए, ऑपरेशनल में ऑडिट ट्रेल, चेकसम और डेटा इंक्रिप्शन तीन है। ऑडिट ट्रेल आपने सुना होगा, जो आजकल ईवीएम मशीन है उसमें वीवीपैट का बोलते हैं ना, पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ट्रेल क्या, ऑडिट ट्रेल वही एटी आ गया इसमें। चेकसम और डेटा, इनके बारे में बताते हैं। देखिए ऑडिट ट्रेल क्यों किया था, ऑडिट ट्रेल पहली बात तो दो चीजों किया था, एक तो अकाउंटिंग का ऑडिट ट्रेल और एक ऑपरेशन का। मींस अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग हो रही, सब चेक कर रहे हैं आप, और ऑपरेशन में ये कौन कौन उसे यूज कर रहा है, कैसे कैसे यूज कर रहा है। इसमें तो है फाइनेंशियल टर्म्स, इसमें अदर एस्पेक्ट, उन दोनों का ऑडिट ट्रेल होना है। इसमें लिखा है रिकॉर्ड ऑफ कंजम्पशन रिसोर्सेस, ठीक है, दोनों बातें आ गई, हार्डवेयर मैन जो भी यूज हो रहे हैं, और उन दोनों बातों को क्यों करते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये बहुत की पॉइंट है इसका। क्यों की पॉइंट है, कि अगर आप ये मॉनिटर कर रहे हैं कि दिन में 10 ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होते हैं, तो आप ये देख लेंगे ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और किस अमाउंट के कर रहा है। ये ऑडिट ट्रेल में इसकी कोई प्रिंटिंग तो निकलती नहीं है, लेकिन ये बैक एंड पे क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, और उसको ऑडिट ट्रेल से आप पकड़ पाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, यह था चेकसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेकसम, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब भी हमने स्विफ्ट बताया, कुछ बताया, तो स्विफ्ट में चेकसम का यूज होता है, जिसमें की डेटा ऑफ फाइल, सारी जो की डेटा होती हैं फाइल, फाइल में जैसे मान ले कोई बड़ा लंबा लेटर है, तो उसमें से कुछ पॉइंट उठा करके वो चेकसम बनता है। और चेकसम जो है डे एंड और डे बिगिन पे बनता है, कैसे, आज आप ब्रांच बंद करके जा रहे हैं, आज आपने कहा इस अकाउंट में इतना इतना बैलेंस है, आपने ताला लगा दिया, आप सुबह आए आपने कहा कल तो मैं ताला लगा के गया था, और आपने उस फाइल को खोल के काम करना शुरू कर दिया। तो अगर आप चेकसम नहीं लगाएंगे, तो जिस बैलेंस, जिस अकाउंट में बैलेंस आप 10 लाख रुपए छोड़ के गए थे, आज वो 10 करोड़ हो गया, और आपने 10 करोड़ में से 9 करोड़ का चेक पास कर दिया। चेकसम क्या करता है कि जो कल रात की आपकी फाइल जो स्टोर हो गई थी उसको, और जो आज आप यूज करने वाले हैं, उन दोनों को मैच करता है। ठीक है, अगर डिफरेंस होगा पता होगा, कल रात हमारी ब्रांच में बैलेंस इतने करोड़ था, आज भी उतना ही है, तो ठीक है, इसका मतलब प्लस हर अकाउंट को मैच कर लेगा, पता लगा कि वो बैलेंस तो मैच कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में किसी का 1 करोड़ था उसका 10 लाख कर दिया, किसी का 10 लाख था उसका 1 करोड़ कर दिया। ठीक है, की डेटा ऑफ उसमें दोनों फाइलों में से मिलान कर लिया था। फिर क्या होता है डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन में क्या होता है, आजकल जो भी डेटा है वो बिल्कुल वैसा ही नहीं भेजा जाता, उसमें इनक्रिप्ट कर जाता है, यानी साइफर कोड डाल देता, तो उसका साइफर टेक्स्ट है,
उसको कोडिंग कर दी जाती है, इनक्रिप्ट कर जाता है, छुपा दिया जाता है। और जब वो इसलिए क्या आता है कि कोई भी उसे क्या ना कर पाए, डिसाइफर ना कर पाए, यानी उसको वो कोड डिकोड ना कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, फिजिकल, इंटरनल और ऑपरेशनल, तीनों मैकेनिज्म हमने समझा दिया आपको।